मुरगाड़ मिल जाएंगे, कौन कौन से ट्रैक्टर के? एक बार देख ये कितने का, मतलब स्वराज का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हुए हैं ओल्ड पंजाब ट्रैक्टर्स C215 मायापुरी न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर ट्रैक्टरों के मुरगाड मिलते हैं भाई, तो सभी प्रकार के मुरगाड अवेलेबल है भाई के पास, और टॉप लिंक सीट। तो नमस्कार भाई साहब, तो आप एक बार मतलब अपनी दुकान का एड्रेस बता दो। C215। हाँ, तो आपको किस प्रकार के मुरगाड मिल जाएंगे, कौन कौन से ट्रैक्टर के? का एक बार दिखाइयो, रेट बताइए, ये कौन से ट्रैक्टर का है? ये आइसर का है। कितने रुपए का मिल जाएगा ये मुरगाड? 8000। एक बात जाओ, ये 8000 का? और मतलब कोई भाई दूर तक फोन कर रहे होल सेल तो ही कुछ मतलब कट्ठा माल मंगवाना चाहे तो आप डिलीवरी कर दोगे? एक बार अपना नंबर बता दो, मतलब को भाई कॉन्टेक्ट। अभी थोड़ी देर आएंगे तो बता दो। चल, इस ये आइसर के थे? हाँ, ये जोड़ा कितने का बताया था? 8000। और वो सीट है जो? सीट होगा वो 25000। तो जो ये मायापुरी है, मतलब जो और छोटे मोटे दुकानदार हैं उनसे सस्ता माल मिलता है ना यहाँ पे? हाँ, ना जायज मिलता। ये भी आइसर के है? नहीं, नहीं, वो स्वराज का। ये कितने का, मतलब स्वराज का ये कितने रुपए का? 8500 का है। नेगोशिएबल मतलब घाट बाद हो जाएगी को भाई आवत है। अच्छा, ये 9500। ये 9500 का है, ये सारे 9500 के है। और ये गेरे है जो 1628 वाला गेरा मिल जाएगा? सरदार जी को पता है वो। अच्छा अच्छा, और जो नॉन पेंट वाले लेना चाहता है वे कितने के मिल जाएंगे नॉन पेंट? वही बता रहे। अच्छा, तो आपको इनके बारे में पता है? ये कितने का, ये कौन से ट्रैक्टर का है? स्वराज। ये कितने का है? 8500। ये सोनालिका का ये कंपनी से आया हुआ, फिर भी आपको अंदाजा होगा कितने का होगा? 8500। ये मेसी वाला आ गया, मेसी वाला तो 11000 का है। और इन गेरे के बारे में भी बेरा? अच्छा, तो ये भी 8500 का है। खुद भी बनाते हो मतलब है? ये महिंद्रा के सारे 8500 के हैं। और भी है कुछ मतलब ट्रैक्टरों से रिलेटेड? तो एक एड्रेस बता दो अपनी शॉप का। को भाई? C215। हाँ, मायापुर में। पर भाई, तो कोई भाई आ सका है, कांटेक्ट कर सका है? ये देखो पुराने ट्रैक्टर के जैसे एस्कॉर्ट होया ये रखी हुई है, तो पायदान भी मिल जाएंगे आपको। ये पायदान हैं पुराने ट्रैक्टरों के। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।